तो मैं सबको लेके जा रहा हूँ इक्की शॉपिंग के लिए। आई गए, हमने कहा टाइम आ रहा है। अच्छा ऐसे जाएंगे आराम से। कांगना और सर जी कैसे कैसे बोल बढ़िया। हम हजी की तैयारी के साथ चलते, आपको क्या लगा हम खा लिया आएंगे? कुछ आया पसंद बताओ। ऑफ वाइट ही ओके ठीक है करेक्ट। थोड़ा उसमें टेक्सचर होना चाहिए ना, नहीं तो स्टैंड आउट नहीं करेगा। हाँ वो निकालो, ये भी अच्छा है, ये डाल। आप दोनों इससे कन्विंस्ड हो है तो ये कटवा लेते। आप बोलो। नहीं है तो नहीं। ऊपर किसका जैकेट का तो सब लिंगी इसका एक ब्लैक है, ब्लैक है मरून है, ये फिटी दोनों है। जैसे ही रमजान आता है तो पूरी इब्राहिम फैमिली ईद की तैयारियों में लग जाती है। शेख इब्राहिम पूरे घर को लेकर जाते हैं भगवान कलेक्शन, वहाँ पर ईद के कपड़ों की कराते हैं शॉपिंग। शेख इब्राहिम की एक बात बहुत अच्छी है, जब भी घर वाले कपड़े लेते हैं तो दिल खोल कर दिलाते हैं, कभी भी उन्हें रोकते टोकते नहीं है और बल्कि पसंद करने में उनके हेल्प कराते हैं। शेफ का कहना है कि ईद एक साल में आती है, कभी भी ईद के त्योहार पर कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि रोजे रखते हैं, मेहनत करते हैं, इबादत करते हैं, इसीलिए ईद भी अच्छे से मनानी चाहिए। जिनके पास पैसा है वो अच्छे से शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो बेचारे देखते ही रह जाते हैं। तो इसीलिए कहा है कि अगर अपने पास इतना पैसा है तो गरीबों की भी मदद करनी चाहिए, उन्हें भी अच्छे कपड़े देने चाहिए। काफी लोग ऐसा करते हैं कि कपड़े जो घर में रखे होते हैं और वो पहने लायक नहीं होते तो कुछ लोग उन कपड़ों को गरीबों को दे देते हैं, कुछ तो ऐसे दे देते हैं कि अगर सिलवाएं भी तो वो कपड़ा खराब निकल जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी को भी कपड़े दें तो अच्छे देने चाहिए और खाना खिलाएं तो वो भी अच्छा खिलाना चाहिए। और रूहान की ये पहली ईद है, रूहान की भी पहली शॉपिंग होगी ईद की। आपसे इजाजत चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।